हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, यहाँ पर मैंने नाइट पार्टी मेकअप ग्लॉसी मेकअप लुक क्रिएट किया। इस लुक को क्रिएट करके आप पार्टी में जा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने कई तरह की हेयर स्टाइल भी आपको दिखा दी है, जूड़ा बनाकर और थोड़ा सा हेयर को आगे निकाल के, हेयर को ओपन करके, और जो बचा कुचा हो रहेगा हेयर स्टाइल या लुक जो रहेगा वो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे से, क्योंकि स्टार्टिंग में उतना नहीं दिखा पाती। तो आप लास्ट में एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर लास्ट में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ड्रेस भी पूरा पूरा देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है क्लब फैक्ट्री से मैंने ली है, और ड्रेस मैंने सीन से ली है। अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी वाली ज्वेलरी है और बहुत ही प्यारी ड्रेस, अगर आप इसे पार्टी में पहन के जाओगे बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। तो बस इस तरीके का मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का फटाफट से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और फिर बोलूँगी, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बजट में है, और इस पे इसको लगाने से आपके फेस पे थोड़ा सा ग्लो भी आ जाता है। तो ये रोज़ ग्लो टोनर है, तो इसको इस तरीके से अपने पूरे फेस पे अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है। तरीके से आपको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो गाइस, ये देखिए अच्छे से मेरी स्किन ने ऑब्जॉर्ब हो चुका। और इसके बाद मैं लूँगी काजल जो है मेरा एनवाईबे का, जो है 52 रुपीज़ का। क्रीज लाइन में आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए हल्के हल्के से। एक फ्लैट ब्रश से इसको हल्का सा स्मच कर लेना है, ब्लेंड यानी कि हल्का सा फ्लैट ब्रश से। अगर आप चाहें तो जेल लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं ब्राउन शेड पिक करूंगी। ये देखिए एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से, और जो ब्लैक हमने क्रीज लाइन में अप्लाई किया था ब्लैक काजल, उसके ऊपर हल्का सा ब्लेंड करते हुए इस तरीके से लगा लेना है आपको, हल्का सा जस्ट। अगर आपके पास छोटा सा पफी ब्रश है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ एनवाईबे का कंसीलर, मैं आईलेट पे लगाऊंगी। फिंगर की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लेना है, फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का सा सेट कर लेना है। और फिर इसके बाद मैं अपना फिर विल्टन वाइट का आईशैडो पैलेट लूंगी, इसमें से मैं गोल्डन वाला सेट पिक करूंगी। फ्लैट ब्रश से या पेंसिल ब्रश से जिससे आपको इजी लगे उसी से आपको हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। लेना है इस तरीके से वो जेल लाइनर लेना, और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा लेना है एक्स्ट्रा निकालते हुए, और इस तरीके से आपको जहाँ पे आपने काजल अप्लाई किया था वहीं पे सेम इसी तरीके से आपको हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हुए इसके ऊपर एनवाईबी का लाइनर लगाना है। तो इस तरीके से आपको आई मेकअप कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद मैं क्या करूँगी, एनवाईवे का सीरम लगाऊंगी। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से मैंने अभी इसको न्यू मंगाया है। तो जस्ट अभी ट्राई करेंगे कि ये कैसा है। मैंने इसको मंगाया, इससे पहले मैं अधिकतर गुड वाइब्स का यूज़ करती थी, तो मैंने कहा इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट मंगाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा है। गुड वाइब्स का बहुत ही अच्छा है, और ये वाला भी ट्राई कर ही लेते हैं कि कैसा है। तो इसको अच्छे से मैं लगाऊंगी अपना लैक्मे का मॉइस्चराइजर जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मॉइस्चराइजर मैं थोड़ा ठंड में थोड़ा सा ज्यादा लगाती हूँ।
इस तरीके से ये, ताकि आपकी स्किन में अच्छे से मिल जाए। आपको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और सूख जाए। तब हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ विल्टन वाइट का प्राइमर। तो मेरा यहाँ ज़्यादा लग गया तो सब जगह मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। इस तरीके हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना लेंगे एले गर्ल का ये मेकअप बेस है, इससे आपके पूरे फेस पे अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी। तो मेरा फिनिश हो चुका था एक टाइम में, और ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, 500 में मिलेगा, इस वजह से मैं इसको नहीं यूज़ करती थी। अच्छे से आपको धीरे धीरे से लगाना है, रगड़ना नहीं है। चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन फिट मी फाउंडेशन 230 मेरा सेट, इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना आई के नीचे कंसीलर लगाएंगे, वहां जहां पे मैं कर रही वहीं वहीं पर आपको भी करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी, मेरा शेड है 7NYB का कॉन्टोर है ये। इस तरीके से इससे आपके फेस का सेप बहुत ही अच्छा दिखता है। थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पे करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फोरहेड थोड़ा सा चौड़ा है। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। नोज वाला मैं ब्रश से करूंगी, क्योंकि मेरा ब्लेंडर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नोज पर। इसके लिए मैं अपना छोटा वाला ब्रश ले रही हूँ और इसी से मैं अच्छे से सेट करूंगी। ब्रश से यह सही लगता है सेट करने के लिए। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, लगा के मैं ले रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट, और थोड़ा सा अपनी ज़्यादा लगाऊंगी इस तरीके से। आपके पास लूज पाउडर हो तो आप वो ले लीजिएगा, हल्का हल्का सा लगा के मैं ले रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट, और थोड़ा सा अपनी ज़्यादा लगाऊंगी इस तरीके से। आपके पास लूज पाउडर हो तो आप वो ले लीजिएगा, हल्का हल्का सा। तो गाइस मेरी लाइट चली गई, यानी मेरी रिंग लाइट खराब हो चुकी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बंद हो गई, और मैं ये आधा मेकअप लुक करके बैठ भी नहीं सकती। काफ़ी ट्राई करी बट ये जल ही नहीं रही है। तो चलिए जैसा भी है करते हैं। तो कॉम्पैक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से आप सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने कॉन्टोर किया है वहाँ नहीं, जहाँ पे आपने कंसीलिंग की है वहाँ वहाँ पर हल्के हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा लगा के। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं ले रही हूँ एनवाइवे की पेंसिल। थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, क्लियर भी नहीं दिखेगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। और फिर अच्छे से आईब्रो को सेट कर लूंगी।
और फिर इसके बाद अच्छे से सेट कर लेना है इसको। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी काजल जो है लैक्मे का, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। इस तरीके से फिर पेंसिल ब्रश से थोड़ा सा ब्राउन वाला सेट पे करूंगी, थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। ये देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, जो हमने अपना कॉम्पैक्ट निकाल लगाया था उसको एक्स्ट्रा इस तरीके से निकाल देना है। इसके बाद मैं पिक करूंगी अपना ब्लशर ये वाला, और फिर ब्लशर हो गया हमारा। इसके बाद हम हाइलाइटर वाला शेड पिक करेंगे, क्रीमी स्टोन में है शेड इसका दिखता है। तो अब मैं करूंगी अपने होठ पर लिप लाइनर लगाऊंगी, और ये सिर्फ 10 रुपीज़ का मैंने लिया लोकल मार्केट से। काफी ज्यादा पिगमेंटेड है ये। इसके बाद मैं लूंगी पर्पल की लिपस्टिक, बहुत ही अच्छी है मेरा सेडेड 2, तो इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए अपनी लिपस्टिक का कलर चेंज करूंगी मैं, यहाँ पे हुडा ब्यूटी की ये वाली शेड इसी के ऊपर लगाऊंगी। पार्टी मेकअप है तो मैंने कहा थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो चलिए थोड़ा सा मैं अपनी फॉल्सेस लगा लेती हूँ, और मैंने रख दिया है वो सूख रही है, तो जब सूख जाएगी तो मैं अपनी फॉल्सेस अप्लाई करेंगे, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, तो गाइस ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई नया मेकअप लुक देखना है तो कमेंट करके वो भी बताइएगा, मैं जल्दी कोशिश करूँगी वो लुक क्रिएट करने की। अगर ये अच्छा लगा हो मेकअप लुक तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इंस्टा और टिकटॉक पर फॉलो करना ना भूलिएगा, वहाँ आपको मेरा डांस भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू।